हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रोहन वक्ता, ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट, अहमदाबाद गुजरात से। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑर्थो सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाँव के पंजों में सूनापन आना, टिंगलिंग, नमनेस, यानी कि पाँव के पंजों में जो झनझनाहट होती है वो किस कारण से होती है। वैसे तो ये तकलीफ होने के कई कारण है, लेकिन ये वीडियो में हम तीन मुख्य कारणों की बात करेंगे। तो दोनों पाँव के पंजों में अगर सूनापन लगता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वहां पे कोई सेंसेशन नहीं है, छूने पे मालूम नहीं पड़ रहा, या फिर चीटी काटती है, करंट पास होता है, वैसे सेंसेशन आता है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहला और मुख्य कारण है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने के कारण जो ब्रेन से सिग्नल आते हैं वो ट्रांसमिशन अच्छी तरह से नहीं हो पाता, और पाँव के पंजों के जो सिग्नल्स होते हैं वो पूरी तरह ऊपर नहीं पहुंच सकते। उसके कारण ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि दोनों पाँव के पंजों में जैसे कोई सुई चुभ रही है या फिर चींटी काट रही है। तो उसके लिए आपको विटामिन B12 के ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए। अगर वो कम मात्रा में है तो उसकी टैबलेट या फिर इंजेक्शन आपको अपने डॉक्टर के साथ सलाह मशवरा करके लेने चाहिए। दूसरे नंबर का कारण है सायाटिका। सायाटिका यानी कि रीढ़ की हड्डी में अगर पीछे की साइड पे हमारी कोई गद्दी खिसक जाती है तो वो हमारी नस के ऊपर दबाव लाती है। नस यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है जो दिमाग से लेके पूरी तरह पीछे तक जाता है, अगर कोई गद्दी खिसक जाती है और वो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबाव लाती है तो दोनों पाँव में झनझनाहट आना, सूनापन आना, जैसे वो सून पड़ गया है वैसा महसूस होता है। अगर वो ज़्यादा सीवियर है तो वो दोनों पाँव में भी महसूस हो सकता है, और ज़्यादातर केस में वो एक साइड पे महसूस होता है, तो उसको सायटिका कहा जाता है। तो सायटिका है वो कैसे कंफर्म मालूम पड़ता है? तो उसके लिए आपको MRI की जरूरत पड़ सकती है। MRI में हमको पता चलता है कि कौन से लेवल पे है। फॉर एन एग्जाम्पल, MRI में लिख के आता है L4-5, L5-S1, वैसे डिफरेंट लेवल पे जो वर्टिब्रीज होती है उसके अनुसार वो लेवल मेंशन किया जाता है। तो ये था दूसरा कारण। और तीसरा कॉमन रीजन है डायबिटीज। इस कंडीशन को डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। अगर किसी का डायबिटीज बहुत ज्यादा रहता है, बहुत लंबे टाइम से डायबिटीज है और ज्यादा अच्छी मात्रा में उसको कंट्रोल नहीं किया गया है, तो ऐसे केस में दोनों पाँव की जो नसें होती है, पाँव के पंजों की नसें होती है, वो सूखने लगती है, वहां पे खून कम पहुंचने लगता है और उसके कारण वहां पे सेंसेशंस कम हो जाते हैं। कभी कभार वो काफी सीवियर कंडीशन में भी पहुंच जाता है, जिसको डायबिटिक फूड कहा जाता है, जिसमें अल्सर भी बनने लगते हैं। तो तीसरा कारण है डायबिटिक न्यूरोपैथी, और उसकी ट्रीटमेंट में डायबिटीज को स्ट्रिक्टली कंट्रोल में रखना और फूड की अच्छी हाइजीनिक केयर रखना वो है। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने आपको तीन मुख्य कारण के बात की, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, सायटिका और डायबिटीज। इसके अलावा भी आपको अगर कोई कारण लग रहा है आपके केस में, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें लिख के भेज सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, उसमें भी आप पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।